जय चक्रधारी। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं संसार में सभी का कल्याण हो, सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी सत्य विद्या को प्राप्त करें, सभी के जीवन में प्रसन्नता की लहर सदैव छाई रहे। इन्हीं कामना के साथ यह आज का एपिसोड मैं प्रकट करता हूं। धातुशास्त्र पर हम लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कांसा, इन सब पर विस्तृत जानकारी पिछले एपिसोड्स में दी जा चुकी हैं। आज बात करेंगे हम पीतल पर। जब तांबे पे एपिसोड बनाया था तो आप सभी ने बहुत बढ़ चढ़ करके उसमें उत्साह और ऊर्जा हम में फूंकी। उसी के बल पर हम अन्य धातुओं पर भी एपिसोड बना पाए और वर्तमान में आप ही की मांग पर पीतल पर भी एपिसोड बना रहे हैं। हालांकि ये जो एपिसोड है वो है पीतल शरीर पर धारण करने पर किस प्रकार से काम करता है। हम प्रयासरत हैं कि जो आयुर्वेद कहता है ठीक उसी प्रोसेस से उसके बर्तन भी हम बनाएं और बना करके उसको समाज में उतारा जाए, ताकि पुनः आरोग्य पूरे समाज में, पूरे जगत में फैल जाए। इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। किंतु आज का जो विषय है वह पीतल के ऊपर तो है ही, किंतु शरीर पर धारण करने से उसके क्या लाभ हो सकते हैं, उस पर आज का सारा एपिसोड आधारित है। मैं कामना करता हूँ आप जो भी अपना समय इस एपिसोड को दे रहे हैं वो निश्चित रूप से आपके जीवन में कहीं ना कहीं कल्याणकारी साबित हो, कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में उजाले को लेकर के आए। आयुर्वेद कहता है पीतल दो प्रकार का होता है, एक होता है रीति का, एक होता है काकतुंडी। काकतुंडी पीतल इस जमाने में मिलना बड़ा ही आसान है, क्योंकि जो मिलावटी पीतल है उसे ही काकतुंडी कहा जाता है। जैसे कि पीतल अपने आप में ही दो धातुओं का संयोग है। पहला मेटल है तांबा यानी कि शुद्ध कॉपर, दूसरा मेटल है यशद यानी कि शुद्ध जिंक, जिसको हिंदी भाषा में जस्ता भी कहा जाता है। दोनों के संयोग से ही पीतल का निर्माण होता है। इसकी कॉस्टिंग को कम करने के लिए अशुद्धियां जब इसमें डाल दी जाएं, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे लेड, जैसे कतीर, इस प्रकार की धातुएं जब इसमें डाल दी जाती हैं तो पीतल अशुद्ध हो जाता है, उसको काकतुंडी कहते हैं। तो हमने काकतुंडी और रीतिका दोनों ही प्रकार का पीतल लिया है, जिसको अभी आपको शीघ्र ही हम लोग दिखाएंगे किस प्रकार का होता है। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर पीतल को शरीर पर धारण करने से लाभ क्या है। पहले बात करते हैं पुरुषों हेतु क्या लाभ है। जो व्यक्ति अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, जो पहलवानी करते हैं, जो जिम इत्यादि में जाते हैं, उनके लिए पीतल कड़ा बहुत अच्छा साबित होता है। कारण पीतल में कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं, जब यशत का और ताम्र का संयोग होता है तो सोने के रंग का ये कुछ पीतल आभा लिए हुए प्रकट होता है। इसकी ऊर्जा कुछ इस प्रकार से मिलती है कि यह किसी भी पुरुष को इतना सार्थक जीवन में साबित हो सकता है कि उसके ब्रह्मचर्य को बनाए रखे। ब्रह्मचर्य शरीर की एक पुष्टिकारक धातु साबित होती है, उस कारण से आपके शरीर बहुत वृद्ध होगा, मजबूत होगा, चट्टान के भांति बलशाली होगा। उसके अंतर्गत आपकी जो सहायता करने वाली धातु है
वह पीतल है। इसके अलावा इसका जो मूल काम था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जिनको स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, चर्म रोग हैं, जो चर्म रोग से परेशान हैं, जिनको घुटनों में पेन रहता हो, दौड़ने पर जिनको दर्द होता हो, पैरों में दर्द होता है या मांसपेशियों में दर्द होता हो, वहाँ पर भी पीतल धारण करने मात्र से ही बहुत अच्छा काम करता है। वहीं यह लाभ स्त्रियों को भी मिलते हैं, किंतु स्त्रियों में एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चली है, बहुत ज़्यादा आम हो चली है, कि लेडीज़ को ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, मासिक समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, उसमें भी यह धातु बहुत अच्छा स्त्रियों के लिए काम करती है। अब आप सोचेंगे कि धारण करने से आखिर ये कैसे काम हो सकता है, जो शरीर के बाहर चीज़ धारण करी जाए वो भला कैसे रोगों को समाप्त करने में सक्षम होगी। तो बहुत आनंददायी बात आपको मैं बताता हूँ। हमारे पूरे शरीर में छोटे छोटे रोम छिद्र बने होते हैं जो कि प्रकृति ने बनाकर दिए हैं। जैसे जब हम गर्मी में बैठते हैं तो हमारे शरीर से जल बाहर निकलता है पसीने के रूप में, वह कहाँ से आता है? उन्हीं रोम छिद्रों में से आता है जो पूरे शरीर पर व्याप्त हैं। हमारा शरीर भीतर के लिए तो सांस लेता ही है, श्वास हम लोग अपनी नासिका से लेते ही हैं, किंतु हमारी चमड़ी भी श्वास लेती है, उसी के लिए वह रोम छिद्र हमेशा चलायमान रहते हैं। तो दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, या तो हम धातु की भस्म बना करके यौगिक तरीके से उसको ग्रहण कर लेवें, खा लेवें किसी भी आयुर्वेदाचार्य के निर्देशन में। दूसरा तरीका है हम उस धातु को शरीर पर धारण कर लेवें। अब धातु में कुछ ऐसी विशेषता है कि जब भी हम उसको धारण करते हैं अपने शरीर पर, तो वो बहुत न्यून मात्रा में, अल्प मात्रा में हमारी चमड़ी के माध्यम से घिसती रहती है। ऐसे हम पहनेंगे तो ये घिसती रहेगी। क्योंकि हम लोग हैवी मेटल्स या मजबूत मेटल्स, पीतल एक मजबूत मेटल है, गले में पहनेंगे तो चुभेगा, कमर पर हम पहनेंगे तो चुभेगा, इसलिए सबसे बेहतर स्थान है कि हम उसको जो है अपनी कलाई में ही धारण कर लें। पीतल की विशेषता यह है, आप लेफ्ट में धारण करें या राइट में, दोनों ही स्थान पर यह सम मात्रा में काम करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो इन रोम छिद्रों के माध्यम से जब यह धातु घिसती है तो घिस करके चमड़ी के अंदर प्रवेश करती है। वो इतनी न्यून और इतनी अल्प है, मान लो जैसे 1 ग्राम हुआ, 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा 1 मिलीग्राम हुआ। अब 1 मिलीग्राम के भी हम 1000 हिस्से कर दें, इस प्रकार का तराजू मॉडर्न साइंस भी नहीं बना पाई है। कभी वैदिक काल में रहा होगा किंतु वर्तमान में तो नहीं है। तो उतनी अल्प मात्रा में हमारा शरीर इस मेटल को घिस घिस कर अपने भीतर प्रवेश करा लेता है। बस वो अंदर गया नहीं कि रक्त की जो धमनियों में से रक्त बहता है उसका कारक, मांसपेशियों में जो भी चीज़ आती है, जो ऊर्जा आती है उसका कारक, उन सब में वह चीज़ मिल करके हमारे शरीर में इस प्रकार की ऊर्जा का अवतरण करती है, जहाँ से हमें आरोग्यता की प्राप्त हो। अब कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम कौन सा पहने, हम चांदी पहने क्योंकि चांदी भी बहुत अच्छा लाभदायी साबित होती है, हम तांबा पहने क्योंकि तांबा में भी अपार गुण है, हम पीतल पहने, हम सोना पहने, इस प्रकार के प्रश्न कई बार आते हैं। आपको जिस चीज की प्रथम आवश्यकता हो, क्योंकि सबके गुण धर्म अलग अलग हैं, जिस धातु की ऊर्जाओं की आपको प्रथम आवश्यकता हो, जैसे स्त्रियों में यदि गड़बड़ है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो आप पीतल पहनिए। यदि आप पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक बलवान हो और आप जिमिंग कर रहे हैं, तो आप पीतल पहनिए, क्या परेशानी है। इस प्रकार से जीवन में जिस भी धातु की प्रायोरिटी हो, जिस भी धातु की प्राथमिकता हो, हमें उसे धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से पीतल काम करता है। वर्तमान में तकनीक का भी हम लोगों ने सहारा लिया, हमने इन कड़ों को अमेजोन पे डाल करके लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया, और ईश्वर की दया से बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है। उसका लिंक भी हम आपको शेयर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कर देंगे, ताकि आप देख पाएं किस प्रकार का क्या फीडबैक आया, क्या कहना है लोगों का।
आपको लगता है कि मेरे जीवन में यह घड़ा उपयोगी है, तो आप अपने स्थानीय जो व्यक्ति है जो आपको रीतिका पीतल उपलब्ध कराएगा उससे आप ले सकते हैं। आपको लगता है संदेह है कि नहीं मैं वहाँ से नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप हमसे भी यह कड़ा मंगवा सकते हैं। यह रीतिका ताम्र से बना होता है। अब मैं आपको दोनों रीतिका और काकतुंडी दोनों को मैं दिखाना चाहता हूँ, क्या अंतर है। बहुत बारीक सा अंतर इनमें होता है। आम आदमी आम जीवन में आम तौर पर जजमेंट नहीं ले पाता है, किंतु आपके कल्याण के लिए आप जजमेंट ले पाए मैं यह चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए नज़दीक से देखते हैं। यह आप देखिएगा, ये दोनों मैंने आसपास रख दिए हैं। यह काकतुंडी है। काकतुंडी का तात्पर्य होता है काला वर्ण लिए हुए। रीतिका का तात्पर्य होता है लाल वर्ण लिए हुए। तो लालिमा अधिक होने के कारण इसका पीलापन बहुत अच्छा है, अधिक है। वहीं आप ये देखेंगे तो यह काकतुंडी कालापन लिए हुए अपनी चमड़ी पर रहता है, किंतु वर्तमान में स्थितियाँ सिर्फ इतनी ही विपरीत नहीं है। विपरीत यह भी कि लोग इसको इतनी बढ़िया पॉलिश करके कोटिंग चढ़ा करके काकतुंडी को भी दे देते हैं जिससे मनुष्य का नुकसान हो। अब यदि हम इसको पीट के देखेंगे तो काकतुंडी में लोचशीलता बहुत कम होती है। यह देखिएगा आप ये यहां से फूटक आई है, यानी कि इसकी लोचशीलता बहुत कम है। वहीं हम रीतिका की बात करें तो रीतिका भी आपको मैं दिखाता हूं। ये आप देखेंगे कोई फूटक नहीं। दोनों में अंतर देखिएगा आप। काकतुंडी में फूटक पड़ती है, रीतिका में फूटक नहीं पड़ती। इस प्रकार से इनका अंतर ऐसे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किंतु आम दिनों में व्यक्ति जो है हथौड़ा लेकर के अपना नया कड़ा तोड़ नहीं पाता। सीधी सच्ची बात यह है, कभी भी कोई व्यक्ति लेगा तो वो सबसे पहले ऐसा नहीं सोचेगा मैं ला करके इसको तोड़ दूं या मैं हथौड़े से चपटा कर दूं। ऐसी अवस्था में आपको या तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, या तो कीजिए या फिर किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ही आप इस प्रकार की डील कीजिए। तो खैर आज के लिए इतना ही। लोगों ने पूछा था पीतल के क्या लाभ हैं, पीतल से क्या फ़ायदा होता है, शरीर में कितनी ऊर्जा जागृत होती है। हाँ, एक आखिरी बात आपको मैं बता देता हूँ जो पीतल की बहुत बड़ी विशेषता है। कोई भी मंदिर हो, चाहे भैरव जी का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, जहाँ पर भी झाड़ फूँक होती है वहां पर 99% पीतल का कड़ा ही पहनने को दिया जाता है। क्या कारण है इसका? इससे कोई चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है, ये औषधि के रूप में कार्य करता है, औषधीय गुण इसमें होते हैं। किंतु पीतल की विशेषता यह है कि जहां पर भी मंत्रों की ऊर्जा को समाहित करना हो, जैसे मैंने किसी मंत्र की ऊर्जा को समाहित करना हो इस धातु के भीतर, तो सबसे लंबे समय तक पीतल में ये कैपेसिटी है कि उस मंत्र की ऊर्जा को समाहित करके रख सके। हर धातु की अपनी ऊर्जा होती है, सदैव वे ऊर्जाएं उसमें से निकलती रहती है, निषेचित होती रहती है। किंतु पीतल इकलौती ऐसी धातु है जो किसी भी एनर्जी को रख करके उसके भीतर ही कैद करने में सक्षम है, बनाए रखने में सक्षम है, यानी उसका लीकेज होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। यानी कि हमने कोई मंत्र फूंक करके इसको चार्ज किया या उस वो ऊर्जा मंत्रों की ऊर्जा हमने पीतल को दी, तो पीतल में वो सक्षमता है कि उस ऊर्जा को लॉक कर दे और सदा सदा के लिए वो ऊर्जा हमारे शरीर को लाभ पहुंचाती रहती है। इसलिए पीतल का चुनाव किया जाता है। तो यह इसकी सबसे मुख्य विशेषता जो मैंने आपको बताई। आज के लिए इतना ही। आपको लगता है ये एपिसोड आपके जीवन में कल्याणकारी साबित हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं। और इसके संबंध में आपको कोई और जानकारी लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9887917255। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, देर सवेरी सही मैं उत्तर अवश्य ही दूंगा। आज के लिए इतना ही। आज्ञा चाहता हूं। जय चक्रधारी।